व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी है बटर कुकीज़। मैंने 1 कप बटर नहीं बल्कि 1 कप घी लिया है। विप के ज़रिए घी को अच्छी तरह से बीट कर ले ताकि घी अच्छी तरह से फ्लफ़ी हो जाए। देखिए घी अच्छी तरह से फ्लफ़ी हो चुका है। उसमें मैंने 1 कप साबित शुगर ऐड किया है। आप चाहे तो पाउडर शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। शुगर और घी को भी अच्छी तरह से बीट कर ले। देखिए शुगर थोड़ा थोड़ा मेल्ट होना स्टार्ट हो चुकी है। उसमें 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करें। बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर ऐड करना है 1/2 टीस्पून। और मैंने 1 कप मैदा लिया है, उसको भी इसी में ऐड कर दें और अच्छी तरह से मिक्स करके अच्छी तरह से गूंद लें। थोड़ा भी दूध भी नहीं डालना है, थोड़ा भी पानी भी नहीं डालना है। घी और शुगर में ही इसको गूंद लेना है अच्छी तरह से और उसको बॉल के शेप में थोड़ा सा प्रेस करके आप जो शेप चाहें दे सकते हैं। मैंने थोड़ा घी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऐड किया है। आप चाहे तो कम ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मैं हमारे घर में ना सब्जियों के साथ, पराठों के साथ, खाने के साथ घी यूज़ नहीं करते, घी खाना पसंद नहीं करते, इसलिए मैंने ऐसे कुकीज़ में ज़्यादातर यूज़ कर देती हूँ। वैसे भी कुकीज़ तो सबको बहुत पसंद है, क्योंकि रमज़ान भी चल रहे हैं, ताकत की तो बहुत ज़रूरत होती है। आप चाहे तो घी थोड़ा कम ऐड कर सकते हैं। कुकीज़ को आप जिस तरीके का चाहे शेप दे सकते हैं। आप कुकीज़ को जिस तरीके का शेप चाहे दे सकते हैं, वो तो हमारी चॉइस है। आप स्पून से भी इस तरह से कर सकते हैं। देखिए कुकीज़ बन के रेडी है और इसको हम सिर्फ अब बेक करना है। मैंने माइक्रो ओवन को प्रीहीट करना भूल चुकी थी, इसलिए मैंने वापस निकाल लिया है। अब माइक्रो ओवन को प्रीहीट कर रही हूँ। और अब मैंने कुकीज़ रख चुकी हूँ। इसको 160 डिग्री सेल्सियस पे कुक करना है, बेक करना है। देखिए कुकीज़ बेक हो रहे हैं। कुकीज़ ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं। कुकीज़ इज़ रेडी। घी थोड़ा ज़्यादा हो चुका है, आप चाहे तो थोड़ा कम कर सकते हैं, मुझे इसी तरह का अच्छा लगता है। जो घी खाना पसंद नहीं करते उनको इसी तरीके से मिठाई वगैरह में डाल के खिला सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।